आज मैं कैसी चीज बताने जा रहे जो कि शादियों के सीजन में बहुत ही डिमांड में होता है और स्पेशली विंटर सीजन में, और वो है वेज लॉलीपॉप। इसको स्टार्टर के तौर पर खूब पसंद किया जाता है। खैर, मुझे तो कोई शादी वगैरह का इनविटेशन मिल नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो घर पर इसको बना लेते हैं। अगर आपको भी शादी का इनविटेशन नहीं मिल रहा है तो आप भी घर पर इसको जरूर बनाकर देखें। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो इस वेज लॉलीपॉप को बनाने के लिए पहले यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1/4 कप गाजर। आप चाहो तो इन सब्जियों को एकदम ही बारीक बारीक चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसको ग्रेट भी करोगे तो भी चलेगा। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 शिमला मिर्च, फिर इसमें जाएगा 1 छोटी सा इसका प्याज, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी जितना नमक। नमक हम यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जो सब्जियाँ है ये अपना पानी फटाफट से छोड़ने लगे। इन सब्जियों में से पानी निकालना काफी जरूरी है। अगर आप इससे पानी नहीं निकालते हो तो फिर जो स्टफिंग है वो काफी चिपचिपा बनेगा और ठीक से बाइंड भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन सब्जियों को आप 5 मिनट के लिए ऐसे ही साइड पर रख दें ताकि इसका जो पानी है वो साइड पर निकल जाए। और जब तक ये सब्जियां रेस्ट करती है तब तक आपको लेना है 5 से 6 उबले हुए आलू। इन आलू को या तो आप ग्रेट कर लीजिए या फिर इस तरह से एक मैशर की सहायता से अच्छे से मैश कर लीजिए। आज तो हम ये वेज लॉलीपॉप बना रहे हैं, लेकिन आपको और कौन से स्टार्टर की रेसिपीज देखनी है, यानी कि मंचूरियन की रेसिपी देखनी है या पनीर टिक्का देखना है, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा ताकि मैं आपके साथ वो सारी रेसिपीज जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। चलिए, सारे आलू अच्छे से मैश हो चुके हैं और जो सब्जियों को मैं साइड पर रखा हुआ था उन्हें भी रेस्ट के तकरीबन 5 मिनट हो चुकी है। तो आइए अब इन सब्जियों में से हम पानी को निचोड़ लेते हैं। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, इस पानी को आप चाहो तो बाद में जो हम ग्रेवी बनाएंगे उसको भी बनाने के लिए यूज कर सकते हो। चलिए, इन सब्जियों को हम इस आलू में ऐड कर लेते हैं। फिर इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। फिर इसमें एक तीखापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/14 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर। अगर आप ये रेसिपी अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर चिली फ्लेक्स और काले मिर्च पाउडर की मात्रा थोड़ी सी कम रखें। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, लेकिन एक बात का यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको बहुत सारा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम बाद में जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब इसमें वो उमामी फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच एरोमेट पाउडर। एरोमेट पाउडर का इस्तेमाल करने से इसका टेस्ट हूबहू रेस्टोरेंट जैसा आएगा, और आजकल तो मार्केट में बिना MSG वाले, यानी कि बिना मोनोसोडियम ग्लूटामेट वाले भी एरोमेट पाउडर मिलने लगे हैं, और आपको ये ऑनलाइन काफी आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपके पास एरोमेट पाउडर नहीं है तो आप इसे नहीं डालोगे तो भी चलेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च की जगह पर आप चाहो तो यहाँ पर राइस फ्लावर, यानी कि चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें चावल का आटा या फिर कॉर्न स्टार्च ऐड करने से इसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया सा क्रिस्पीनेस आ पाएगा। अब ये मैंने लिया है 1/2 कप पनीर, जिसको मैंने इस तरह से ग्रेट करके रखा हुआ था। इसके अंदर आपको चीज वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है, पनीर से ही काम चल जाएगा। अब बस इन सारी चीजों को आपको अच्छे से मिक्स करना है और इसको आपको अच्छे से बाइंड करना है। ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर पानी का जरा भी इस्तेमाल नहीं करना है, बस आप इसको अच्छे से मसल लिए ताकि एकदम ही आसानी से बाइंड हो पाए। इसी के साथ हम इसमें एक और चीज ऐड करेंगे और वो है ब्रेड क्रम्स। मैं यहाँ पर 1/2 कप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और इन ब्रेड क्रम्स को बनाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ब्रेड को मिक्सी में डालकर उसको ग्राइंड कर लिया। ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करने से ना केवल इसमें एक अच्छा बाइंडिंग आ पाएगा, बल्कि हमारी जो लॉलीपॉप है वो काफी क्रिस्पी भी बनेगी। चलिए, ये जो लॉलीपॉप बनाने का स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। तब आप हाथों में थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लीजिए ताकि ये स्टफिंग आपके हाथों में चिपके नहीं। और थोड़ा सा स्टफिंग हाथों में लेकर आपको इसमें से इस तरह से ओवल शेप का एक बॉल बनाना है। अब आपको लेनी है इस तरह की एक आइसक्रीम की स्टिक, और इस आइसक्रीम स्टिक को हमें स्टफिंग के बीच में इंसर्ट करेंगे। आप चाहो तो आइसक्रीम स्टिक की जगह पर ब्रेड स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हम अक्सर सूप वगैरह के साथ सर्व करते हैं। फिर आपको इस स्टफिंग को इस आइसक्रीम स्टिक के ऊपर अच्छे दबाते हुए लगाना है ताकि ये जो स्टफिंग है ये स्टिक में से आसानी से निकल ना जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये जो स्टफिंग है ये ठीक से बाइंड नहीं हो पा रहा है, तो आप इसमें एक आलू ऐड कर लीजिए या फिर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड कर लीजिए ताकि एकदम ही आसानी से बाइंड हो पाए। चलिए, ठीक इसी प्रकार से मैंने ये सारे लॉलीपॉप्स बनाकर रेडी कर लिए हैं, और इतनी क्वांटिटी में से तकरीबन 10 से 12 लॉलीपॉप्स बनेंगे। अब हमें एक बैटर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर चाहिए 1/4 कप मैदा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्न स्टार्च, फिर इसमें जाएगा 1 चुटकी जितना नमक, 1 चुटकी जितना काले मिर्च पाउडर, और फिर इसमें थोड़ा सा तीखा लाने के लिए और कलर लाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और बस फ्रेंड, सभी चीज़ों को हमें एक बार मिक्स करना है।
फिर हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका हमें एक बैटर बनाकर रेडी करना है। और ये जो बैटर है ये सेमी थिक रहना चाहिए, यानी कि ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। फिर एक विस्क की सहायता से आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स हो तो वो टूट जाए। चलिए जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब जो लॉलीपॉप को हमने बनाकर रेडी किया हुआ था उस लॉलीपॉप के ऊपर हमें इस बैटर को लगाना है। अगर आपका बैटर बहुत ही पतला होगा तो जब आप इस बैटर को इस लॉलीपॉप के ऊपर ऐड करोगे तो जो बैटर है वो सारा का सारा नीचे गिर जाएगा और ठीक से कोट नहीं हो पाएगा। और अगर ये बैटर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होगा तो जो लॉलीपॉप का स्टफिंग है वो काफ़ी हैवी हो जाएगा और वो आइसक्रीम स्टिक में से निकल जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ये जो बैटर है ये ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। जब ये लॉलीपॉप बैटर में अच्छे से कोट हो जाए तब आप इसको ब्रेड क्रम्ब से हर तरफ से अच्छे से कवर कर लीजिए। इसको हम ब्रेड क्रम्ब से इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो एकदम ही क्रिस्पी बन सके और इसका एकदम ही बढ़िया सा टेक्सचर आ सके। चलिए ये जो लॉलीपॉप है ये रेडी हो चुकी है और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे लॉलीपॉप को बनाकर रेडी करना है। अब आती है सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसको फ्राई कैसे करें। अगर आपने इसको ठीक से फ्राई नहीं किया तो या तो ये बहुत ही ऑयली बनेंगे या फिर ये उतने क्रिस्पी नहीं रहेंगे। इसको फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो तेल का तापमान है वो मीडियम गर्म रहना चाहिए। अगर तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो जैसे आप इसमें लॉलीपॉप को ऐड करोगे तो वो फटाफट से ब्राउन तो हो जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी और उतनी क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। और अगर तेल एकदम ही ठंडा होगा तो जो लॉलीपॉप है वो काफ़ी सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेगी और एकदम ही ऑयली बनेगी। तो जब तेल मीडियम गर्म हो तब आप इन लॉलीपॉप को फ्राई कर लीजिए और इनको आपको मीडियम फ्लेम पर ही तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और एकदम ही क्रिस्पी नहीं हो जाती। और इसको अच्छे से फ्राई होने में तकरीबन 4 से 5 मिनट लग सकती है। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये लॉलीपॉप अच्छे से फ्राई हो चुकी है तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे लॉलीपॉप को फ्राई करके रेडी करना है। इनका कलर काफ़ी बढ़िया आया हुआ है और एकदम ही क्रिस्पी बने हुए हैं। इसका आवाज़ सुन के ही आपको पता चल गया होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। आप चाहो तो इस लॉलीपॉप को ऐसे ही खा सकते हो लेकिन अगर आप इसके साथ इसकी ग्रेवी बनाओगे तो इस लॉलीपॉप में 4 चांद लग जाएंगे। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए किसी एक वॉक में या फिर एक पैन में आपको लेना है 2 बड़ी चम्मच तेल और इस तेल को आप हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ जिसको आपको एकदम बारीक बारीक चॉप करके इस्तेमाल करना है और इसी के साथ इसमें जाएगा 1/2 इंच जितना अदरक और इन दोनों को आपको हाई फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए ही भुनना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी साइज का प्याज और इसे भी हाई फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे या हम इसको तब तक भुनना है जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं होने लगता। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो प्याज है ये अब ब्राउन होना शुरू हो चुका है तो यहाँ पर गैस को आप मीडियम कर लीजिए या फिर स्लो कर लीजिए और उसी के बाद हम इसमें कुछ सॉस ऐड करेंगे। तो पहले इसमें जाएगा 2 बड़ी चम्मच रेड चिली पेस्ट या फिर रेड चिली सॉस। इसी के साथ इसमें जाएगा 2 बड़ी चम्मच जितना शेजवान सॉस। ये मैंने घर का बनाया हुआ शेजवान सॉस यूज़ किया हुआ है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई थी लेकिन अगर आपने वो रेसिपी ना देखी हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब इस सॉस को आपको मीडियम फ्लेम पर कुछ सेकंड्स के लिए ही पकाना है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच टोमेटो सॉस। फिर इसमें जाएगा 1/4 छोटी चम्मच डार्क सोया सॉस, 1/4 छोटी चम्मच काले मिर्च पाउडर और फिर हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक यानी कि 1 चुटकी जितना नमक यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारा नमक का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये जो सॉसेस होते हैं उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा नमक रहता है। अब इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच जितनी चीनी। फिकर मत करिए, यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करने से ये मीठा नहीं हो जाएगा बल्कि जो सारा फ्लेवर है वो अच्छे बैलेंस हो जाएगा। अब बस इसको मीडियम फ्लेम पर हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। अब इस ग्रेवी के अंदर भी हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच जितना एरोमेट पाउडर और बस फिर हम इसको एक बार अच्छे मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पानी डालने के बाद आप इन सभी को एक बार मिक्स कर लीजिए और फिर आपको इस ग्रेवी में एक बार उबाल आने देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी ये जो ग्रेवी है ये काफ़ी पतली है तो इस ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए हमें इसमें ऐड करनी है कॉर्न स्टार्च की स्लरी। तो इस कॉर्न स्टार्च की स्लरी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 बड़ी चम्मच कॉर्न स्टार्च और फिर हम ऐसे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी हमें एकदम ही पतली पानी जैसी स्लरी बनाकर रेडी करनी है। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो कॉर्न स्टार्च की स्लरी है ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब इस कॉर्न स्टार्च की स्लरी को हम इस ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे लेकिन सारी की सारी स्लरी आपको एक साथ इसमें नहीं ऐड करनी है, आप थोड़ी थोड़ी स्लरी इसके अंदर ऐड करते जाइए और इसको मिक्स भी करते रहिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें कॉर्न स्टार्च की स्लरी के लम्स ना पड़ जाए। अभी भी ये ग्रेवी थोड़ी सी पतली है तो जो बाकी की स्लरी बची हुई थी वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो ग्रेवी है ये पहले से काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और एकदम परफेक्ट बनी हुई है।
तो बस यहाँ पर आप गैस को बंद कर लीजिए, और फिर गैस को बंद करने के बाद हम इस्तेमाल करेंगे 1/4 छोटी चम्मच विनेगर यानी कि सिरका, और इसी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस। आप चाहो तो यहाँ पर स्प्रिंग अनियंस के साथ साथ थोड़े से धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और लीजिए, हमारी एकदम ही जबरदस्त और टेस्टी ग्रेवी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है इसको सर्व करने के, या तो आप इस ग्रेवी को साइड पर रखकर इसको सर्व कर सकते हो, या फिर एक और तरीका इसको सर्व करने का जो कि अक्सर रेस्टोरेंट्स वाले यूज करते हैं। आपको क्या करना है कि इस लॉलीपॉप को इस ग्रेवी के अंदर अच्छे से डिप करना है, लेकिन आपको तभी ही करना है जब आप इसको तुरंत सर्व करने वाले हो। अगर आप बहुत समय तक इस लॉलीपॉप को ग्रेवी के अंदर रखते हो तो ये धीरे धीरे सॉगी होने लगेगी और उतनी क्रंची नहीं रहेगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लीजिए, ये एकदम ही टेस्टी वेज लॉलीपॉप बनकर रेडी हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, और आपको और कौन सी रेसिपीज जाननी है ये भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।